भारत में नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर होती है, लेकिन अब एक ऐसी मांग देश में उठी है जिसमें कहा गया है कि क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर नोटों पर छपनी चाहिए। ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि उनके पड़पोते चंद्र कुमार बोस ने की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है जिसमें उन्होंने कई मांगे की हैं और उनमें से एक मांग है नोटों पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर। आपको बता दें 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और अब ठीक उसी से पहले नेताजी के परिवार वालों ने पीएम नरेंद्र मोदी से ये बड़ी मांग कर दी है। 9 पॉइंट में लिखे गए पत्र में नेताजी के परिजन की ओर से कहा गया है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर वे अपना सुझाव दे रहे हैं। पत्र में लिखा गया है कि नेताजी के जन्म दिवस 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, ये उन्हें सम्मानित करने जैसा होगा। साथ ही ट्रेनों के 4 डिब्बों को नेताजी मोबाइल संग्रहालय में बदलने की मांग की है, जिससे देश भर के लोग आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस की वीरता के बारे में जान सके। पत्र में कहा गया कि नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट के सामने नेताजी की प्रतिमा स्थापित की जाए। बता दें इसी तरह की मांग सुभाष चंद्र बोस पर किताब लिखने वाले अनुज धर नाम के एक लेखक भी कर चुके हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक नोट की तस्वीर भी शेयर की थी जिसमें नेताजी की फोटो छपी हुई थी। बता दें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। वे एक संपन्न बंगाली परिवार से संबंध रखते थे। वे इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर बोस भारत लौट आए और उन्होंने सिविल सर्विस छोड़ दी। इसके बाद नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा को छोड़कर देश को आजाद कराने की मुहिम का हिस्सा बन गए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 में एक विमान हादसे में हुई थी। आपको बता दें स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को केंद्र सरकार ने हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। संस्कृति मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में लिखा है कि भारत के लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में इस महान राष्ट्र के लिए उनके अतुल्य योगदान को याद करते हैं। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आने वाली जयंती से पराक्रम दिवस आरंभ करने का निर्णय लिया है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका सत्कार किया जा सके। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.